अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश टेंस पास्ट इंडेफिनेट सिखाने लगा हूँ। पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये बहुत अहम टेंस है और सबसे ज़्यादा समय लेके यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं माजी मुतलक उर्दू में, ये ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट है? पास्ट का तो पता चल जाएगा, लेकिन इंडेफिनेट का कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम पहचान जो है वो देखते हैं इसकी, ठीक है। फिक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ छोटिए बढ़िए आता है। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें भी अलिफ ही आ रहा है आखिर पे, छोटिए ही आ रही है, बढ़िए ही आ रही है। अगर आप देखें, हम इसको यहाँ से कट करें तो ये अलिफ बन जाएगा, अगर इसको यहाँ से कट करते हैं तो ये छोटिए बनेगी, अगर यहाँ से कट करें तो ये बढ़िए बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा ज़ेर नशीन जो करना है वो अलिफ छोटिए और बढ़िए जो है वो ज़ेर नशीन करनी है। तो इसका जो तरीका है अब वो हम जो है वो देख लेते हैं कि इसको बनाने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हम लिखते हैं तरीका, फाइल के बाद जो है सबसे पहले आपने फाइल, फाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म आती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये टेंस कौन सा है? पहला मैंने प्रेजेंट डेफिनेट किया, दूसरा पास्ट डेफिनेट। तो ये आपने टू याद रखना है, इसका फार्मूला क्या है? टू, यानी दूसरा टेंस और फॉर्म कौन सी? दूसरी इसमें जो है वो इस्तेमाल होगी। फाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म जो है वो आती है। अब अगर हम जो है इसकी मिसाल लिखते हैं ताकि समझ अच्छी तरह जो है वो आ जाए, तो उसके लिए देखें, वो स्कूल जाता था, ठीक है, ये पॉजिटिव फिक्र है। अब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, ही, जाने की इंग्लिश वर्ब गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, तो यहाँ आ जाएगा वेंट, ही वेंट कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल, ये आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। अब ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको वर्ब कह रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे आई वेंट, बस, ठीक है, शी वेंट, ऐसे ही अली वेंट, इसी तरह आप जो है यू वेंट, वी वेंट, इसी तरह दे वेंट, ठीक है, इट वेंट, अली
and Asad went. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपने जो है जितने भी प्रोनाउन के सब्जेक्ट हैं उनके साथ इस तरह इसको जो है वो मशक करनी है। ये वर्ब आप कोई भी जो है वो लिख सकते हैं, इसमें आप ईट लिख लें, स्लीप लिख लें, राइट लिख लें, रीड लिख लें, ठीक है। जो भी आप जो है वो किसी भी फॉर्म के साथ आप जो है वो लिखना चाहें इस तरह प्रैक्टिस करें। अब हम जो है वो आगे जो है वो करेंगे नेगेटिव। तो ये जो है आगे हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव जो है इसमें जो है वो सबसे पहले क्या है कि पहचान लिख लें आप, तो इसमें क्या है कि फिक्रे में ना का तासुर पाया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ये क्या है जो है वो हम फिक्रे में जो है वो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो आपने देखा होगा पहले में मैंने डू बताया था, डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो हमने चूंकि जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, जहाँ हमने प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो यूज़ करनी है, चूँकि जैसे ऊपर भी मैंने बताया दूसरी फॉर्म, तो यहाँ भी हम सिर्फ दूसरी फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, फाइल के बाद, अब देखें जैसे उसने खाना ना खाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे ही, उसके बाद डिड नॉट। अब खाने की इंग्लिश क्या है, ईट, ही डिड नॉट ईट, और खाना जो है वो फूड। तो ये जो है वो इस तरह तरतीब इसकी जो है वो बन जाएगी। आपने यहाँ पर जो है डिड नॉट लगाना है सब्जेक्ट के फौरन बाद, और फिर फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगानी है। अब ये देखिए इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है शी डिड नॉट ईट, ठीक है, इट डिड नॉट ईट, अली डिड नॉट ईट, बस इस तरह आपने प्रैक्टिस जो है वो करनी है, ठीक है। आगे जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ इसी का ही, ये जो है इंटेरोगेटिव फॉर्म इसकी जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव जो होता है उसकी पहचान सबसे पहले क्या है, आपको पता होगा जिसमें इस्तफहामिया तरीका जो है वो होता है, जिसमें क्या है कि किसी चीज़ के बारे में जो है पूछा जाता है, ठीक है, किसी चीज़ के मुतालिक पूछा जाना, ठीक है, इसकी पहचान। अब इसका क्या है तरीका, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैंने बताया था डिड है, तो अब क्या करेंगे कि फिक्रे के शुरू में डिड लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है
पूछा जाना और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब हम इसको जो है मिसाल लिखने लगे हैं। क्या अली ने पानी पिया? ठीक है, डिड अली ड्रिंक वाटर, ये इसकी जो है वो मिसाल है। अब हमने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है वो हमने सारा फिक्रा नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है डिड ही ड्रिंक, डिड शी ड्रिंक, डिड इट ड्रिंक। तो ये जो है वो आपने इस तरह जो है वो इसको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला ये आपको कभी ज़िंदगी में जो है टेंस नहीं भूलेगा। तो ये जो है वो मैंने आपको फास्ट एंड डेफिनेट आज बता दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसी तरह आपको जो है तमाम टेंसेज जो है वो सिखाऊंगा। बहुत आसान है, फार्मूले के तहत हैं, आप बहुत आसानी से सीखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।